तो फ्रेंड्स स्प्रे कैन लेकर आओ और भाई आज आपका भाई सब कुछ रंग देगा। इस खंबे का मुझे कलर पसंद नहीं है, मुझे लिखने का बहुत शौक है। चले फ्रेंड्स इसको कुछ लिख देते हैं। देखो गधा मूत रहा है इधर चल निरा, ये आज में खत्म तो नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है समर्थ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में दो सवाल है आपके मन में होंगे। देखिए फ्रेंड्स जब ये खाली होता है या भरा भी होता है, देखिए इसके अंदर झुंझुना बसता क्या है भाई, बहुत टेंशन है। तो फ्रेंड्स एक बात और देखिए, ये सारे फ्रेंड्स खाली हो चुके हैं भाई, इनका मैं क्या करूं? अब भाई ना फेंक तो नहीं सकता फ्रेंड्स, और कबाड़ में इनका मिलेगा भी क्या। तो फ्रेंड्स नया काफ़ी महंगा आता है, तो दोस्त आज हम रिफिल करेंगे, प्लस इसके अंदर होता क्या है, क्या होता है फ्रेंड्स ये देखेंगे। बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, प्लीज वीडियो कम पे वॉच कीजिएगा। चले फ्रेंड्स चलते हैं और इनकम यूज करते हैं। चले समर एक्सपेरिमेंट। तो हाइट छोट होने का ये फायदा तो है कि भाई कहीं भी लटक जाओ। तो फ्रेंड्स आज हम डिब्बा खोल नहीं, डिब्बा काट करने वाले हैं। तो भाई ये खा लिए, पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे इसे काट कर। तो फ्रेंड्स इसे काटने से पहले एक बात का जरूर ध्यान रखें, इसके अंदर ब्यूटेन या प्रोपेन गैस भरी होती है, तो भाई जो जल जाती है आग लग सकती है। तो फ्रेंड्स प्लीज इसे काटने से पहले पूरी तरह से खाली कर लें, एक बार लगा एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। चलिए तो भाई ये रहा लाइटर, ये रहा सिलेंडर। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट इसे देखते हैं भाई इसके अंदर गैस है या नहीं है। देखिए गैस है, चल रहा है भाई, यानी इसके अंदर गैस है भी। देखिए वाओ, जाते तो फ्रेंड्स प्लीज इसमें आग ना लगाएं क्योंकि इस टाइम सिलेंडर खाली है, नुकसान हो सकता है काफी। चले फ्रेंड्स पहले इसकी अच्छी तरह से जितने भी एयर इसके अंदर गैस है वो निकाल देते हैं, उसके बाद इसे काटेंगे। हाँ लगता है इसकी सारी गैस निकल गई। ओ आपको क्या सुना जाएगी, आप काम तो इधर है। देखिए सारी गैस निकल गई फ्रेंड्स, अभी भी हम इसे एंगल ग्राइंडर से नहीं काटेंगे क्योंकि फ्रेंड्स उसमें चिंगारी उठती है। दोस्त हम इस पर कोल्ड प्रोसेस करेंगे, यानी कि हम पेचकस से किसी चीज़ से इसमें होल करेंगे पहले। तो भाई ये छेन ले रहा हूँ और इससे मैं इस पर छोटी सी हल्की चोट मार के काटने वाला हूँ, जिस पर थोड़ा सा मतलब आपको होल करना है बस। देखिए होल हो चुका है, अब फ्रेंड्स ये सेफ है, सारी गैस बाहर निकल चुकी है, अब हम इसे काट सकते हैं। ओहो भाई साहब इसमें तो खजाना निकला, बचपन की यादें ताज़ा कर दी। देखिए फ्रेंड्स इसके निकले कंचे मार्बल्स, ये जो दो मार्बल्स हैं जो कंचे हैं, ये जो प्रोपेन या ब्यूटेन गैस होती है इस सिलेंडर के अंदर, इन्हें कलर को मिक्स करने के लिए होते हैं, तो भाई ये निकला है। चलिए फ्रेंड्स गोटे खेलते हैं। चलो तो भाई ये एक्सपेरिमेंट तो सफरा जो बात फ्रेंड्स, मतलब मजा आ गया भाई, बचपन की यादें ताज़ा होगी। अब चलते हैं अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट पर, इसके हम क्या करेंगे। चलिए फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये भाई यकीन मानिए काफी मजा आएगा इसमें, लेकिन फ्रेंड्स सबसे पहले आपको सेम वही प्रोसेस करना है, इसकी सारी की सारी गैस आपको निकाल देनी है। तो लीजिए इसको मैंने बिल्कुल खाली कर दिया है, कोई भी इसके अंदर गैस नहीं है, नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ साइगल ट्यूब की, जो कि पुराने देख सकते हो पुरानी साइगल ट्यूब होती है फ्रेंड, उनमें से वाल बूटी निकलती है, ये मुझे यूज करना है। अब देखिए हमें सिर्फ इस पार्ट की आवश्यकता है, यहाँ पे काफी जगह आप इसे लगा सकते हैं फ्रेंड, आप कोशिश करें कि इसे ऊपर ही लगाएं भाई, अगर यहाँ पे लगाओगे ना तो दिक्कत फ्रेंड्स होगी। देखिए ये ढक्कन बंद नहीं हो पाएगा, हमें फ्रेंड्स यहाँ लगानी चाहिए जिससे कि हम इसे कैप को बंद भी कर सकें और भाई इसका हम काम भी ले सकें। तो एक दिक्कत हो रही है यहाँ पे, देखिए फ्रेंड्स ये काफी लंबा एरिया है देखिए, और भाई इसे लगने के बाद तो ये और भी लंबा हो जाएगा। देखिए देखिए ये कितना लंबा हो चुका है, तो फ्रेंड्स इसे हम काटेंगे पहले। तो जहाँ भी मैं चाहूँ इसे सोल्डिंग कर सकता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स सोल्डिंग करने के लिए भाई यहाँ से मुझे रफ करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, और इस वाल बॉडी को यहाँ से घिसना पड़ेगा। अब इस पर बहुत अच्छी तरह सोल्डिंग हो जाएगी, अगर आप इसे रफ नहीं करते तो फ्रेंड्स पर सोल्डिंग होती ही नहीं। और भाई इस पर कहीं भी कर लेते हैं होल, 5 mm का मैं ड्रिल बिट ले रहा हूँ होल करने के लिए। अब इसे भी रफ कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से घिसाई हो चुकी है, अब इस पर सोल्डिंग करते हैं। तो भाई यहाँ पर सोल्डिंग हो चुका है, यहाँ पर मैं MC भी लगाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा रब कर देना साइड में से जिससे कि अच्छी तरह से यहाँ पर ये चिपक जाए, कोई लीकेज ना हो। इस वाल पर भी मैंने सोल्डिंग कर ली है, और अब फटाफट ज्यादा वक्त ना गवाते हुए इस पर हम सोल्डिंग कर देंगे। यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह सोल्डिंग हुई, देखे बिल्कुल भी लीकेज नहीं होनी चाहिए। देखे अब आप अच्छी तरह जानते हो भाई इसमें हम एयर भरेंगे, एयर फिल करेंगे, तो फ्रेंड्स ये निकल सकता है भाई, बेशक हमने अच्छे सोल्डिंग कर दी है
देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है भाई ज्यादा टेम्परेचर या बहुत जल्दी हट सकती है सोल्डिंग, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एम सील का यूज करने वाले हैं। तो भाई ये है एम सील और फटाफट हम इसका मिक्सचर बनाते हैं। सुपरमैन चड्डी पहनता है ना, उस टाइप कुछ डिजाइन बन चुका है। तो चले फ्रेंड्स अभी से ड्राई होने के लिए सूखने के लिए रख दे डायरेक्ट सनलाइट में। तो भाई आधा घंटा हो चुका है और आधे घंटे से घंटा काम नहीं हुआ है। तो चले फ्रेंड्स अब आगे का प्रोसेस करते हैं, इसका घोल तैयार करते हैं जो कि बहुत ही मेन टॉपिक है इस वीडियो का। यहाँ पर मिलेगी छोटी सी डिब्बी पेंट की जो कि 50 ml की है। फ्रेंड्स यकीन मानिए जितने छोटा आप बॉक्स लेते हैं उतना आपको पेंट कॉस्टली पड़ता है कुछ भी, क्योंकि आप जानते हैं मैनुफैक्चर में काफी उसमें कॉस्ट आती है। तो जितना बड़ा फ्रेंड आप बॉक्स लोगे या क्वांटिटी में तो वो आपको काफी चीप पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हो भाई ये जो पेंट है ऑलरेडी काफी गाढ़ा आता है, तो फ्रेंड इसे थोड़ा पतला करना है मुझे। तो पतला करने दोस्त आप थिनर का यूज कर सकते हो, तापिन ऑयल की यूज कर सकते हो, केरोसिन ऑयल का यूज कर सकते हो, पेट्रोल आप यूज कर सकते हो, मैं यूज नहीं कर सकता, मेरी औकात से बाहर है, आप यूज कर सकते हो। वैसे सबसे बेस्ट तो पेट्रोल ही है, फिलहाल मैं दोस्त तापिन का ऑयल यूज करूंगा इसमें। तो पहले से थोड़ा सा झूला झूला देते हैं। वैसे यार आजकल काफी गड़बड़ चल रही है, ऑलरेडी पेंट पतले ही आ रहे हैं या कुछ खा पी नहीं रहे। अब यहां पर लेने में एक बोतल और भाई इसे डाल देते पूरा इस बोतल के अंदर और भाई 1:1 का रेशियो मैं इसमें मिलाता हूँ, देखते हैं कितना बैठता है। आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कितना इसमें आपको मिलाना चाहिए। आ लोंडे वाह, सफाई देखो मेरे हाथ की, ये काम भी ढंग से ना आता। अब देखिए इसे डाल के देखते हैं कितना पतला ही हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स आई थिंक भी मेरे हिसाब से 1:1 का रेशियो काफी है और बहुत, आप चाहे तो थोड़ा और मतलब 1.5 का अप्रोक्स यहाँ पर रेशियो मिला सकते हैं। और अब इसको हम डालने वाले सीधा कैन में। तो चलिए अब इसे इसके अंदर फिल करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स फिल कैसे करोगे भाई, दो तरीके हैं, एक तरीका आपको बताऊंगा जो कि सब यूज कर सकते हैं। ओह सॉरी भाई साहब, मुझे तो वैसे डर लग रहा है, कोई बात नहीं। एक तरीका तो फ्रेंड्स ये कि आप आराम से सिरिंज में इसे भरिए और इसके अंदर फिल कर दीजिए। लेकिन भाई ये तरीका तो कोई भी अपना सकता है और काफी लोग अपनाते भी होंगे, तो फ्रेंड्स हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। आपको बोतल का सेम जो बोतल में आप लगाना चाहते हो एक आपको ऐसा ढक्कन लेना है दूसरा, और इसको करना क्या है, इसको करना हीट, किसी भी लाइटर से कर सकते हो। और भाई एक लेनी है आपको इस तरह की सीख और उसमें डाल दीजिए, देखिए, और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। अब इसे आराम से निकाल लेते हैं, देखिए काफी आराम से निकल जाती है, देखिए। और ये बन चुकी फ्रेंड्स आपकी कुप्पी, कहते हैं इसे ऑयल की, और आपके लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं। फिलहाल ज्यादा लंबी हो चुकी है तो मैं इसे कट करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स अब ये बहुत अच्छा काम करेगी फिल करने के लिए। और भाई बेधड़क होकर इसमें भर देते हैं। ओह सॉरी भाई साहब, मम्मी मारेगी, साफ कर दो फटाफट। अब फिल करते हैं और चलिए अब फटाफट इसकी वाल बॉडी यहाँ पर लगाते हैं और इसे कर देते हैं टाइट। लीजिए दोस्त बन चुका है आपका पेंट स्प्रे। तो भाई यहाँ पर मैं लेके आया हूँ पंप और फ्रेंड इसमें हम एयर डालते हैं, हवा भरते हैं। आप आराम से प्रेशर डाल दो क्योंकि मैंने तो अच्छी तरह से बंद कर दिया है, पहले मैं नीचे आ जाता हूँ। आई थिंक हवा भर चुकी है, अब चलिए इसे टेस्ट करते हैं, चलिए इसे लकड़ी पर करते हैं ट्राई। भाई वाह फ्रेंड्स मजा आ गया, देखिए देखिए क्या मस्त चमक है बिल्कुल। एक बार में मैंने आपको 1:1 का रेशियो रखना है, देखिए कितनी देर चला है, देखिए अभी मैंने बटन कम दबा रखा, मैं सही से दबा दूँ, देखिए देखिए कितनी देर चला है, आराम से खूब यूज कर सकते हो। और मैंने बहुत सारा इस पर डाल दिया है तो थोड़ा टपकेगा, तो आपको मैं सिर्फ आपको एक टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ, बाकी अपना थोड़ा धैर्य रखें, पेशेंट का यूज करें। मम्मी बहुत मारेगी भाई साहब, पहले तो साफ कर लो अच्छे तरीके से, कभी मेरी टेस्टिंग हो जावे। फ्रेंड्स हवा भरने के बाद थोड़ा प्रेस इसमें डालने के बाद आप इसे अच्छे से हिला लें, जो बबल्स है एयर के वो पेंट मिल जाएगी, सिर्फ अच्छा स्मूथ आपका पेंट निकलेगा, ये पेंट आएगा, देखिए वाह क्या देखिए मस्त, देखिए फ्रेंड्स कितना मस्त लग रहा है। और अभी मैंने इसमें हवा नहीं डाली है, अभी देखिए
खूब अच्छी तरह से काम कर रहा है। और सूखने के बाद आप दोबारा या तीन बार चार बार कोटिंग इस पर कर सकते हो। फ्रेंड्स मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि इसके अंदर ब्यूटेन गैस होती है, फिर ऐसी गैस होती है जो कि जलती है। तो फ्रेंड्स गैस जो कि लिक्विड फॉर्म होती है और इतने सिलेंडर के अंदर काफी कंप्रेस्ड होकर आ जाती है, जिससे फ्रेंड्स क्या होता है कि भाई पेंट तो खत्म हो जाती है लेकिन गैस बाकी लेफ्ट रहती है। अब दोस्त इसमें हमने एयर यानी कि हवा भरी है जो कि हमने इतनी कंप्रेस्ड नहीं की, तो गैस फ्रेंड ज्यादा समय तक चलते हवा आपको दोबारा डालनी पड़ेगी। अगर खत्म हो जाती है तो आप दोबारा डाल सकते हो, जितनी बार चाहे फ्रेंड्स हवा तो फ्री है, आप इसमें फिल कर सकते हो। यूज करने के बाद आप ढक्कन लगाइए और भाई रख दीजिए। भाई तुम तो बहुत काम करे लौंडो, तुमने तो मेरा पैसे बचा दिया, अब मैं अमीर रहूंगा, अब तुम्हें नहीं फेंकूंगा। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको काफी अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें। और दोस्तों मुझे जो बताइए आपकी वीडियो कैसी लगी, कोई खतरे में।